عوامی آواز جے ہفتے وار پروگرام لیکچر میں بھلے کار ہن پروگرام میں کئی بھی خاص موضوع تے لاگپل ماہر ساں اسی علمی گال بول بدندا آئیوں ہیں سوال جواب بھی موضوع بابت کندا آئیوں جی ایسا کہ کچھ موضوع بابت کو علمی کی معلومات ملی سکے اواں جے کڈے سمجھو تھا تا اواں جے کے خاص موضوع تے دلچسپی آئے उन्हनि जे सिलसिले में लेक्चर पे त असांखे मौज़ू ॿुधायो असीं जे लाॻापियल माहिर खे घुराए उन्हनि मौज़ू ते इल्मी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं जेकॾहिं अवां सम्झो था त अवां जेको वाक़िफ़कार को अहिड़ो या अवां जे इल्म में को अहिड़ो ख़ासि माहिर आहे जहिड़ो की ख़ासि मौज़ू ते ॻाल्हाए सघे थो तॾहिं बि असांखे ॿुधायो ऐं हिन लेक्चर प्रोग्राम में जॾहिं माहिर ॻाल्हाईंदो आहे त पैनलिस्ट हूंदा आहिनि उहे सवाल जवाब बि कंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं अवां पैनलिस्ट तौरु बि शरीक थियणु चाहियो था तॾहिं बि असांखे लिखो असां सां राब्तो करण जे लाइ असांखे ईमेल मोकिलियो ईमेल एड्रेस अवां स्क्रीन ते ॾिसी सघो था ऐं मां ॿुधाए बि रहियो आहियां lecture@awamiawaz.com हिन एड्रेस वसीले अवां असांखे पंहिंजी तजवीज़ूं ॾेई सघो था। अॼु जे लेक्चर हॉल में दुबई खां आयल असांजो एक्सपर्ट प्रेम मथराणी साहिबु मौजूदु आहिनि। वेलकम टू अवामी आवाज़ लेक्चर प्रोग्राम। प्रेम मथराणी साहिबु फाइनेंस जा, मैनेजमेंट जा ऐं बिज़नेस जा ऐं सोशियोलॉजी जे हिकु माहिर तौरु मौजूदु आहिनि ऐं मैनेजमेंट में बि हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी एक्सपर्टीज़ ऐं महारत रखंदा आहिनि। ऐं अॼु असां जो लेक्चर जो मौज़ू हिकु इंतिहाई यूनीक मौज़ू आहे। यूनीक इन्हनि जे करे त मूंखे इहो अंदाज़ो आहे त तमामु घटि माण्हू हुन मौज़ू जो या उन इस्तिलाह खां को उन्हनि जी वाक़फ़ियत हूंदी। असांखे ग्लोबलाइज़ेशन जी इस्तिलाह खां वाक़फ़ियत आहे, असां लोकलाइज़ेशन खां बि असांजी वाक़फ़ियत आहे, पर हिकिड़ो नओं कंसेप्ट उभरियो आहे जंहिंखे चयो वेंदो आहे ग्लोकलाइज़ेशन। ऐं ग्लोकलाइज़ेशन जी हिकु तव्हांखे मां हीउ हिकु ॿुधायां थो त जीअं ग्लोकलाइज़ेशन जीअं असां पोइको ॿुधो आहे थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, त मां हीउ सम्झां थो त ॻाल्हि इहा त हीउ पोहाको जहिड़ो आहे या हीउ स्लोगन इनारो जहिड़ो आहे ग्लोकलाइज़ेशन जी स्पिरिट खे उन जी हिकु तखयुल जी हिकु मुनासिब हिकु निशानदेही करे थो या इज़हार करे थो। ऐं जे ग्लोकलाइज़ेशन जो मतिलबु बुनियादी तौरु कंसेप्ट इहो ई आहे त जहिड़ी बि ग्लोबल पैमाने ते मुख़्तलिफ़ तसवुर आहिनि, मुख़्तलिफ़ नज़रिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ कमोडिटीज़ आहिनि, मुख़्तलिफ़ उसूल ऐं फ़लसफ़ा आहिनि, उन्हनि खे मक़ामी हालतुनि ते अप्लाई करे उन्हनि जी हिकिड़ी मक़ामी साख़्त ठाही वञे, इहो ई आहे ग्लोकलाइज़ेशन। नाज़रीन, असां वटि जहिड़ा पैनलिस्ट तौरु महिमान मौजूदु आहिनि त उन्हनि जो तारुफ़ बि मां करायां थो। असद मुमताज़ आहे अवामी आवाज़ टीवी जो एंकर ऐं पंहिंजो फारूक राहो साहिबु सॉफ्टवेयर इंजीनियर आहिनि, रवि कुमार साहिबु समाजी कारकुन आहिनि ऐं असद बिलाल साहिबु वकालत जा शागिर्द आहिनि। ऐं अॼु असां प्रेम मथराणी साहिबु खां ग्लोबलाइज़ेशन बाबति कुझु वधीक ॻाल्हि ॿोल ॿुधंदासीं। जी मथराणी साहिबु। डॉक्टर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ग्लोकलाइज़ेशन जो कंसेप्ट ग्लोबलाइज़ेशन जे उबतड़ आहे ऐं उन खे पेश बि करे थो, उनजे उबतड़ बि आहे। ग्लोकलाइज़ेशन बेसिकली अंग्रेज़ी में को लफ़्ज़ कोन्हे, पर इहो जी एड करे लोकलाइज़ेशन सां गॾु ग्लोकलाइज़ेशन ठाहियो वियो आहे ऐं जी जी माना आहे ग्लोबलाइज़ेशन। यानी ग्लोकलाइज़ेशन जी माना रुगो लोकलाइज़ेशन न आहे, पर ग्लोकलाइज़ेशन जी माना ग्लोबलाइज़ेशन बि आहे त लोकलाइज़ेशन बि आहे। उनजे अगेंस्ट जेको लफ़्ज़ आम तरह बज़ वर्ड चयो वेंदो आहे, यानी चालू लफ़्ज़ चयो वेंदो आहे ग्लोबलाइज़ेशन। ग्लोबलाइज़ेशन जो आम तसवुरु असां वटि, तव्हां जेकॾहिं नेट ते वेंदव या रेफर कंदव त हुनखे तव्हांखे कई डेफिनेशन्स मिलंदियूं, का हिकिड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन कोन्हे। इहो लफ़्ज़ मुंहिंजे ख़्याल में ॿी जंग अज़ीम खां पोइ हिन लफ़्ज़ ज़ोर वरितो ऐं इहो लफ़्ज़ न सिर्फ़ु ओलह जी दुनिया खां शायदि निकितो ऐं असां जन ओभर वारनि कंट्रीज़ में तूफ़ान वांगुरु पखिड़िजी वियो।
इहो लफ़्ज़ अट्रैक्टिव बि आहे, पुरकशिश बि आहे, माण्हू सभु ग्लोबल थियणु चाहे थो, ऐं चाहियां थो त आउं तरक़ी करियां ऐं मुंहिंजो सॼी दुनिया में नालो थिए, तंहिंजे करे आउं ग्लोबल पर्सनैलिटी थियणु चाहियां थो, ऐं चाहियां थो त का अहिड़ी कंपनी खोलियां, कारोबार खोलियां जेको सॼी दुनिया में फैलिजी वञे, या ऐं को अहिड़ो तहक़ीक़ करियां, रिसर्च करियां, को कारनामो सरंजाम ॾियां जेको वॾे पैमाने ते पूरी दुनिया में फैलिजी वञे। त ग्लोबलाइज़ेशन जो आम तसवुरु जेको लफ़्ज़ ॿुधंदे ई असांजे ज़हन में अचे थो उहो इहो त हिकिड़ी अहिड़ी शइ जेका आलमी सतह जी आहे, जेका उन सतह ते परफॉर्म करे थी। इन लफ़्ज़ जो सरमाएदारी दुनिया या सरमाएदारी सरिश्ते वॾो बेदर्दी सां इस्तेमालु कयो पंहिंजे मुफ़ाद में, यानी हिन लफ़्ज़ जो या हिन तसवुर जो या हिन कंसेप्ट उहो हो ई कोन जंहिंखे उन्हनि उहो कंसेप्ट बणाए छॾियो ऐं असांजे दिमाग़नि में उहो कंसेप्ट वेहिजी वियो। ग्लोबलाइज़ेशन जी एक्चुअल माना ग्लोकलाइज़ेशन आहे, ऐं जी प्लस लोकलाइज़ेशन, जी जी माना ग्लोबलाइज़ेशन। हाणे हिनखे मुख़्तसर असां पेश करण जी कोशिशि कंदासीं त मिसाल अचूं था समाजी बुनियादनि ते या समाज जी बुनियाद जा जेके टे मुखी पैरामीटर्स आहिनि, मईशियत, सियासत ऐं सकाफ़त। हाणे ग्लोबलाइज़ेशन जे लफ़्ज़ खे जेकॾहिं उन ते इम्प्लीमेंट कयूं त ग्लोबल सियासत, ग्लोबल मईशियत या ग्लोबल सकाफ़त। जेकॾहिं ग्लोबलाइज़ेशन आम तरह असां चऊं त भई ग्लोबलाइज़ेशन दुनिया में वधे पई, हाणे ग्लोबलाइज़ेशन जो दौरु अची वियो, असां आम इहो लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा आहियूं, ऐं इहो ई लफ़्ज़ मल्टीनेशनल कल्चर में बि पेश कयो वेंदो आहे। इन जी माना इहा थी त सियासत बि ग्लोबलाइज़ थिए पई, मईशियत बि ग्लोबलाइज़ थिए पई, ऐं सकाफ़त बि ग्लोबलाइज़ थिए पई। हाणे पाण इन्हनि ॿिन्हिनि में भेट करण जी कोशिशि कंदासीं। सरमाएदारी छा थी चवे? सरमाएदारी चवे थी त सॼी दुनिया ग्लोबल विलेज आहे, तंहिंजे करे सॼी दुनिया हिकिड़ी आलमी मंडी आहे, तंहिंजे करे सॼी दुनिया जे समूरनि वसीलनि ते असांजो हक़ आहे त उन्हनि वसीलनि खे असां पैदावारी अमल में लागू करे, पैदावारी अमल मां गुज़ारे हिकिड़ो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमायूं। इहा आहे सरमाएदारी मईशियत, अनलिमिटेड प्रॉफिट। पोइ हुनखे हू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हुनखे माण्हुनि जी ज़रूरत, माण्हुनि जूं बे इंतिहा अनलिमिटेड ख़्वाहिशुनि सां मैच करे हिन तसवुर खे एडॉप्ट कराए थी। ग्लोबल सियासत, ग्लोबल सियासत ग्लोबल मईशियत सां वरी अटैच थी वञे। हाणे छाकाणि त आउं हिकिड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आहियां ऐं ग्लोबलाइज़ेशन जे कंसेप्ट तहत कमु करियां पई, तंहिंजे करे मूंखे पंहिंजी कंपनी जी पैदावार दुनिया जे हर कंट्री में मोकिलण जी या खपाइण जी ज़रूरत आहे ऐं आउं ईअं कंदुसि। पोइ भले उन कंपनी जा लोकल वसीला, लोकल मईशियत छो न तबाह थी वञे, लोकल मईशियत छो न इफ़ेक्ट थी वञे, मुतासिर थी वञे, पर मूंखे प्रॉफिट खपे। सरमाएदारी जेको ग्लोबलाइज़ेशन जे ग़लति फ़हमी में जेको सभ खां वधीक वॾो करे थी, जेको गुनाह करे थी, उहो इहो त न सिर्फ़ु हू ॿियनि मुल्कनि जी मईशियत में या ॿियनि मुल्कनि जी सियासत ते असरअंदाज़ थिए थी, पर पंहिंजे मुल्क जी सियासत ऐं मईशियत खे बि नुक़सानु पहुचाए थी। हाणे अचूं था ग्लोबलाइज़ेशन सां गॾु ग्लोकलाइज़ेशन वारे तसवुर ते। ग्लोकलाइज़ेशन जी माना इहा आहे त जेका शइ ग्लोबल थिए थी, जेका शइ आलमी सतह ते पंहिंजो क़ाइमु करे थी मक़ाम, उहा शइ मोट में वरी मुक़ामी सतह ते बि पहुचे थी। यानी आउं हिकिड़ो सिंपल तव्हांखे मिसाल ॾियां, सिंपल तव्हांखे मिसाल ॾियां त हिकिड़ो छोकिरो ॿाहिरि वियो अमेरिका पढ़णु, राइट, ऐं उहो मोट में वरी उतां पढ़ी वॾी डिग्री हासिलु करे पंहिंजे मुल्क में आयो या पंहिंजे ॻोठ में आयो ऐं उते वेही हुन कमु करणु शुरू कयो। हीउ तसवुर छा थियो? ग्लोबलाइज़ेशन वेंट बैक टू लोकलाइज़ेशन। यानी डॉक्टर साहिबु जीअं ॻाल्हि कई त थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी बिकम बी ग्लोबल एंड देन गो बैक टू लोकल। फितरत ईअं ऑपरेट करे थी। फितरत में कॾहिं बि का शइ यूनिवर्सल न हूंदी आहे, यूनिवर्सल बैक टू पर्टिकुलर बि हूंदी आहे। यानी शइ यूनिवर्सल थी वई, यूनिवर्सल थियण खां पोइ वापसि पंहिंजे मुक़ाम ते बि आई, उहो जेको हुनजो असल मुक़ाम हो। इट टर्न्स बोथ वे, इट वर्क्स बोथ वे। त ग्लोबलाइज़ेशन जो जेकॾहिं एक्चुअल कंसेप्ट, उहो ॿि तरफ़ो आहे, यक तरफ़ो न आहे। सरमाएदारी दुनिया इहा इन कंसेप्ट खे यक तरफ़ो करे पेश करे थी, ऐं उन यक तरफ़े कंसेप्ट खे पेश करण में हुनजा पंहिंजा मुफ़ाद शामिल आहिनि। उहे मुफ़ाद वरी ख़ुदि सरमाएदारी खे बि अॻिते हली नुक़सानु ॾियनि था। मिसाल तव्हां मनी लॉन्ड्रिंग ॾिठी। हाणे मनी लॉन्ड्रिंग छा आहे? सरमाएदारी ग्लोबलाइज़ेशन जो बैड इफ़ेक्ट आहे जेको ख़ुदि सरमाएदारी खे नुक़सानु ॾेई रहियो आहे। तव्हां अचो मनी लॉन्ड्रिंग खां पोइ
करंसी डिवेल्युएशन, करंसी एप्रिसिएशन, ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है। तो मार्केट में कई करंसियूं घुमन पयूं ऐं उहे करंसी हिकिड़ी डेप्रिसिएट थिए थी, ॿी करंसी एप्रिशिएट थिए थी, हिकिड़ी तबाह हाल ॿी कीअं। इहो आलमी मंडी जो या आलमी मार्केट जो ॿियो नुक़सानु आहे जेको ख़ुदि सरमाएदारी खे नुक़सानु ॾेई रहियो आहे। तंहिंजे करे सरमाएदारी दुनिया खे जॾहिं असां ग़ौर करे ॾिसंदासीं त उहो ख़ुदि पंहिंजनि तज़ादनि में ई एतिरी भरी पई आहे जो हू न सिर्फ़ु माण्हुनि खे ऐं माण्हुनि जे मुफ़ादनि खे ऐं माण्हुनि जा माण्हुनि जी जनरल जेका सोशल स्टेटस खे नुक़सानु ॾिए थी, पर पंहिंजो पाण खे बि पंहिंजी दुश्मन बणियल आहे सरमाएदारी। उन जी जॻह ते जेकॾहिं सरमाएदारी जो दुरुस्त ग्लोबलाइज़ेशन जो दुरुस्त कंसेप्ट जेकॾहिं आणिजे, जेको उहो आहे ग्लोकलाइज़ेशन, यानी वेंट बैक टू लोकल। आख़िरी ॻाल्हि इन 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 ॻाल्हि खे पेश कंदे आऊं चवणु चाहींदुसि, असां अचूं था पाकिस्तान जी मिसाल ते, पाकिस्तान खां पोइ वरी सिंध जो मिसाल। हाणे पाकिस्तान जो ग्लोबल स्टेटस छा आहे? पाकिस्तान जो ग्लोबल स्टेटस हीउ थी सघे थो त का बि हिकिड़ी अहिड़ी सर्विस जेका पाकिस्तान जी सतह ते पेश कई वञे उहा आहे ग्लोबल। पर उहो उन ग्लोबल जे तसवुर में जेकॾहिं असां लोकल लोकल जेका डेवलपमेंट खे या लोकल तरक़ी खे या लोकल उन जे इम्प्लीमेंटेशन खे जेकॾहिं असां विसारे छॾियूं, टेक्नोलॉजी हिकिड़ी आई, उन टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल कंसेप्ट, ग्लोबल कंसेप्ट जी माना छा आहे त हिकिड़ी वॾी कंपनी ज़बरदस्त उन टेक्नोलॉजी खे पई थी इस्तेमालु करे, पर उहा टेक्नोलॉजी जेकॾहिं वापसि बैक टू लोकल माण्हुनि ॾे वञे, लोकल डेवलपमेंट जेका आहे उन टेक्नोलॉजी मां फ़ाइदो हासिलु करे, लोकल माण्हू उन टेक्नोलॉजी मां फ़ाइदो हासिलु कनि उन साइंस ऐं टेक्नोलॉजी मां, दैट इज़ द एक्चुअल रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। अहिड़ी ग्लोबलाइज़ेशन मुमकिन ई कोन्हे जेका सिर्फ़ु ग्लोबल हुजे ऐं लोकल न हुजे। सियासत, को बि सियासी अमल MPA MNA खां सवाइ फॉर एग्ज़ाम्पल मुमकिन न आहे। असांखे हिकिड़ो उहो किथां थो अचे? उहो मुक़ामी अचे थो, उहो लोकलाइज़्ड आहे। तंहिंजे करे तव्हां लोकल जे कंसेप्ट, सियासत जे लोकलाइज़्ड कंसेप्ट मंझां खां खे कीअं था नज़रअंदाज़ करे सघो या ख़ारिज करे सघो जेकॾहिं ग्लोबल सियासत जी ॻाल्हि कयूं था? उहो मुमकिन ई कोन्हे, मुमकिन ई कोन्हे। साॻी तरह मईशत ते अचो, जेकॾहिं को रिसोर्स कंहिं इलाइक़े वटि, मिसाल हाणे असां वटि कोयले मां कोयलो निकितो आहे थर मां, हाणे उहा ग्लोबल कमोडिटी आहे। हाणे उन कमोडिटी खे जो इस्तेमालु असां ग्लोबली बि करे सघूं था, एनर्जी बि ठाहे सघूं था, उहा एनर्जी सॼी दुनिया सॼे पाकिस्तान जे लाइ काराइती साबित थिए थी, यानी पर आहे उहो लोकल मैटर। तंहिंजे करे लोकल एंड ग्लोबल बोथ वर्क्स टुगेदर। सरमाएदारी कंसेप्ट ग्लोबल जे आड़ में ग्लोबलाइज़ेशन जो हिकिड़ो अहिड़ो ग़लति ऐं कूड़ो हथ ठोकियो नज़रियो असां मथां लागू करे थी, जंहिंमें असां बदक़िस्मती सां लोकल लोकल तरक़ी खे, लोकल समाजी स्टेटस खे, लोकल समाजी माण्हुनि जी दिलचस्पी खे असां नज़रअंदाज़ करे छॾियूं था। तंहिंजे करे ई अॼु असांजा शहर जेके आहिनि, लोकल शहर, उहे खंडरात जी अलामत बणियल आहिनि ऐं अलाए कहिड़ी ग्लोबलाइज़ेशन आहे जेका पंहिंजी सर्वाइव करे सॼे पाकिस्तान मथां, जंहिंजो को वजूद ई कोन्हे। तंहिंजे करे ग्लोबलाइज़ेशन जो ग़लति कंसेप्ट क्लियर थियणु खपे, हुनजी साफ़ शफ़ाफ़ जेका आहे डेफिनेशन अॻिते अचणु खपे ऐं उन ते असां सभिनीनि खे लिखण बि खपे ऐं सम्झणु बि खपे। उहो आहे ग्लोकलाइज़ेशन, यानी उहो अहिड़ो ग्लोबल जे विच इज़ ऑलवेज बैक टू लोकल डेवलपमेंट। इन में हाणे इहा त ग्लोबलाइज़ेशन आहे ऐं ॿिए पासे लोकलाइज़ेशन आहे, त माण्हू जॾहिं लोकल हूंदा आहिनि त उनजो टनल विज़न या कोताबीनी हिकु पाण मतिलबु त हिकु जंहिंखे कुएं खे मेंढक चवंदा आहिनि त उहो हिकु ग़लति ॻाल्हि आहे। ऐं ग्लोबलाइज़ेशन जो मतिलबु इहा आहे त को हिकिड़ो का बि हिकिड़ी शइ जहिड़ी आहे, को उसूल, का ईजाद, को तरीक़ो, उहो सॼी दुनिया ते हिकु मामिलो नाफ़िज़ थी वञे ऐं सॼी दुनिया खे ख़ासि मेवर जो थी वञे। पर ॻाल्हि इहा त हाणे मक़ामियत जा फ़ाइदा नुक़सान कहिड़ा आहिनि ऐं ग्लोबलाइज़ेशन जा फ़ाइदा ऐं नुक़सान कहिड़ा आहिनि, पोइ मतिलबु त ग्लोबलाइज़ेशन छा उन्हनि फ़ाइदनि खे, ॿिन्हिनि शयुनि जे फ़ाइदनि खे वधाईंदी आहे ऐं नुक़सान खे घटाईंदी आहे, या हीअ को थर्ड फिनोमिनन आहे, का नई शइ आहे? ॾिसो सर, दुनिया जो हिन वक़्तु सॼे वॾे में वॾो मसइलो आहे सरमाएदारी। सरमाएदारी यूज़ पई थी करे ग़लति ग्लोबलाइज़ेशन जे तसवुर जो। सिर्फ़ हिते न, सरमाएदारी जी जाइ वारदात जो, हुनजे जेके इंसान दुश्मन या इंसानियत जे ख़िलाफ़ु कारनामनि जो कहिड़ो कहिड़ो ज़िक्र कजे? मईशत, सियासत, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी। मिसाल सरमाएदारी चवे थी त साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी तरक़ी जी ॼण त ज़िमेदारी खातो हुनजे ई उन खाते में अचे थो। जेकॾहिं सरमाएदारी न हुजे हा त साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी तरक़ी थिए ई न हा।
ग़लति आहे। साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी तरक़ी लोकलाइज़्ड आहे, ग्लोबलाइज़ कॾहिं हुई कोन। अॼु जेका बि साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी तरक़ी आहे उहा लोकल माण्हुनि जी तरक़ी आहे। हाणे उहा वञी इंस्टीट्यूशनल थी आहे, इंस्टीट्यूशनल में बि समूरनि माण्हुनि जो गॾियल समर मौजूदु आहे। तव्हां नथा चई सघो त इहा उहो पर्टिकुलर इहा तरक़ी जेका इहा टेक्नोलॉजी स्टीम इंजन खां पोइ अॼु जॾहिं असां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अञा रोबोटिक्स ॾे असां वञूं पिया, त दिस इज़ ऑल अ म्यूचुअल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग। म्यूचुअल एफर्ट्स ऑफ जॾहिं माण्हुनि जा अचनि था तॾहिं तंहिंजी माना इहा थी त उहा तरक़ी हुई लोकल, पर सरमाएदारी हिनखे ग्लोबल करे पेश करे थी। उहो हुनजो मुफ़ाद आहे जेको माण्हुनि खे खपे ई कोन। अच्छा ठीकु आहे, हिन सिलसिले में असीं थोरो वधीक, छो त हिकु यूनिक टॉपिक आहे ऐं जंहिंजे मुतालिक़ असांखे घटि मालूमात आहिनि ऐं थोरो हिन में वधीक असांखे ॼाण हासिलु करण जी कोशिशि करणी पवंदी, पर हिकु वक़्फ़े खां पोइ। नाज़रीन, हिकु वक़्फ़ो। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक़्फ़े खां अॻु में असांजे प्रेम साहब खां सुवाल रखियो हो त ग्लोबलाइज़ेशन जा फ़ाइदा ऐं नुक़सान बि हूंदा आहिनि ऐं को थी सघनि था ऐं ग्लोकलाइज़ेशन जा बि फ़ाइदा नुक़सान थी सघनि था, पर ही ग्लोकलाइज़ेशन जी हिकु तरीक़ो या हिन जी टर्मिनोलॉजी या सोच जो जहिड़ो दायरो आहे उहो छा ग्लोबलाइज़ेशन ऐं लोकलाइज़ेशन खे नुक़सान खे घटाइण जे लाइ ऐं फ़ाइदे खे वधाइण जे लाइ आहे, या ग्लोकलाइज़ेशन को हिकिड़ी नई टे शइ आहे जंहिंजा को फ़ाइदा ऐं पंहिंजो फ़ाइदो नुक़सान थी सघे थो, थोरो ई वज़ाहत सां ॿुधायो। डॉक्टर साहिबु, हाणे हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे ज़हन में रखणु खपे त जॾहिं ॻाल्हि ग्लोबलाइज़ेशन जी असां करियूं था, छाकाणि त इहो कंसेप्ट मौजूदु आहे, इहो कंसेप्ट सरमाएदारी जो या ॿिए कंहिंजो ठाहियलु नाहे, त शयूं अॼु खां 5000 साल अॻु में बि ग्लोबल हुयूं। अॻु में बि अकेडियंस या जेके मेसोपोटामियाई सिविलाइज़ेशन्स में कारोबार हलंदो हो उहो बि ग्लोबल हो। माण्हू हितां निकिरंदा हुया, माण्हू वेंदा हुया हिते असांजी वादीअ सिंध में ईंदा हुआ, अॼु खां 6-8 हज़ार साल अॻु में। ऐं माण्हू वेंदा हुआ दिलमन सिविलाइज़ेशन में, माण्हू वेंदा अकद खां हेठि जेके बाबल ऐं नन्मा जूं समूरियूं तहज़ीबूं आहिनि, उर जूं तहज़ीबूं, ॿियूं केतिरियूं ई तहज़ीबूं, उन्हनि में वापारु हलंदो हो, वापार जूं लिखतूं थींदियूं हुयूं, वापार में मसाला थींदा हुआ, उन्हनि जे लाइ कोर्टूं वेहंदियूं हुयूं, समूरा फ़ैसिला बिल्कुलु ईअं जो ईअं थींदा हुया जीअं अॼु थियनि था। ऐं वापार बि छोटो मोटो न, लखनि यानी लखनि जो वापारु थींदो हो उन वक़्तु, पैदावारूं ठहंदियूं हुयूं, भई कारखाना हलंदा हुआ, सभु शयूं हलंदियूं हुयूं, पथर ईंदा हुया, ज़बरदस्त कपिड़ा ठहंदा हुया, केतिरियूं शयूं ठहंदियूं हुयूं, काठ ईंदो हो, टिम्बर जो काठ, उहो अनातोलिया मां ईंदो हो, अनातोलिया जी सिविलाइज़ेशन ही सॼो पटो। छा हुन वक़्तु ग्लोबल न हुई? हुन वक़्तु ज़बरदस्त ग्लोबलाइज़ेशन हुई, वेंदे एतिरे क़दुरु जो यूनानी जेके हुया उहे वेंदा हुया उते, उन वक़्तु जो चवंदा आहिनि त अफलातून ऐं सुकरात ऐं जेके ॿिया हुया, इवन थेल्स जंहिंखे पहिरियों फिलासफर ई करे कोठींदा, जेको पहिरियों हो ई कोन, उहो यूनान वेंदो हो। उन वक़्तु बि ग्लोबल जो तसवुरु हो ऐं उन्हनि यूनानियुनि जे लाइ उहो ग्लोबल उन वक़्तु अॼु ओभर हुयो, जेको अॼु असां ओलह खे ग्लोबल जो स्टेटस ॾियूं था, उन्हनि ॾींहनि में ओभर जो जेको स्टेटस ग्लोबल उहो हिते हो। ओभर ग्लोबलाइज़ेशन जो कंसेप्ट हिस्टोरिकल आहे, उहो रेडीमेटरी नाहे, उहो अॼु जो नाहे। ग्लोबलाइज़ेशन जो नुक़सानु सरमाएदारी कयो आहे, सरमाएदारी ग्लोबलाइज़ेशन जे कंसेप्ट खे मनी लॉन्ड्रिंग में कन्वर्ट करे छॾियो आहे। सरमाएदारी ग्लोबलाइज़ेशन पॉलिटिकल ग्लोबलाइज़ेशन जे कंसेप्ट सां जेके असांजूं तरक़ी पज़ीर मुल्कनि जूं जेके सरहदूं आहिनि उन्हनि खे डाइल्यूट करे छॾियो आहे, उन्हनि खे कंहिं कम जो छॾियो ई कोन्हे। अॼु उन्हनि जी हालति अहिड़ी ख़राबु थी वई आहे जो उहे रियासतूं या उहे नेशन्स पंहिंजो पाण खे रियासत सॾाईंदे बि शर्मंदियूं पयूं फील कनि। ग्लोबलाइज़ेशन जो सेकेंड बैड इफेक्ट, यानी सरमाएदारी छा थी करे टेक्नोलॉजी सरमाएदारी खे ॾिनी, असां लोकलाइज़ यानी लोकलाइज़ेशन सरमाएदारी खे टेक्नोलॉजी ॾिनी, टेक्नोलॉजी हुनखे बदतरीन जेका आहे उनजे इस्तेमाल सां हुनखे माण्हुनि जे लाइ अञा भवाइतो बनाए छॾियो। हुनखे एटॉमिक टेक्नोलॉजी ॾिनी, हुन वञी बम उछलायो। लोकलाइज़ेशन जा नुक़सान फ़ाइदा, लोकलाइज़ेशन कंसेप्ट अहिड़ो आहे जेको ग्लोबलाइज़ेशन खे खणी अचे थो बैक टूवर्ड्स लोकलाइज़ेशन, जेको फितरत जो दस्तूर आहे। सिज लोकलाइज़ेशन ग्लोबलाइज़ेशन खे रिजेक्ट करे थी? नो, लोकलाइज़ेशन ग्लोबलाइज़ेशन खे रिजेक्ट कोन थी करे। असांखे सम्झणु खपे त सरमाएदारी ग्लोबलाइज़ेशन वारो कंसेप्ट ग़लति ऐं रिजेक्टेबल आहे, जेको ग्लोबलाइज़ेशन वारो एक्चुअल। ग्लोबलाइज़ेशन लोकलाइज़ेशन में फ़र्क़ु छा आहे? ग्लोबलाइज़ेशन सम्झण खां अॻु में असांखे ग्लोबलाइज़ेशन ऐं लोकलाइज़ेशन जो फ़र्क़ु सम्झणु खपे। ग्लोबलाइज़ेशन ऐं लोकलाइज़ेशन जो फ़र्क़ु तमामु आसान आहे, तमामु कॉमन सेंस ते ॿधलु आहे। माना जेका शइ ग्लोबल आहे उहा शइ बैक वक़्तु लोकल बि आहे,
लोकल का सिवाय ग्लोबल थी न तो सके, ग्लोबल का सिवाय लोकल थी न तो सके। एकड़ी टेक्नोलॉजी आसान विसार खूँ था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ठीक है, या कपड़े की टेक्नोलॉजी अज बेहतरी जबरदस्त है, ग्लोबल है, अज सी ऑटोमेटिक गारमेंट्स तैयार थियन था, पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप क्या थी, ये टेक्नोलॉजी डेवलप थी लोकल जेके मानू हुआ यूरोप में उन वक्त कपड़े की उणत थे एक न पर 500 साइंसदान इंडस्ट्रियलिस्ट इंजीनियर कम कर तदे वही टेक्नोलॉजी डेवलप थी। वो सजो मैटर लोकल हो, जो ग्लोबल थी वो ग्लोबल थियण का उनके बैक टू लोकल थियणो है। मुख्य अज आऊँ जैसे ठटे में वेठो आयां, कें भी बेराड़ी या गोठ में वेठो आयां, मुख्य उन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो ग्लोबलाइजेशन जो को भी अड़ो तस्वुर को जो प्योर ग्लोबल है, जो लोकल ना है। पर सरमाएदारी समझो जैसे अस हिस्ट्री में वजूँ तो बंगाल में एक जबरदस्त किस्म जो कपड़ो ठहन जैसे मलमल वो मलमल जो तमाम बेहतरीन कारीगर हूँ हुआ, वो मलमल की टेक्नोलॉजी ग्लोबल न थी सकी, ग्लोबली मलमल न थी वो दुनिया जो जड़ो कपड़ो मलमल जी हाँ वो खत्म थी वो माहिर ही खत्म थी जड़ो मलमल ठांदा हुआ। तो हि एक लोकल शे ग्लोबल छो न थी सकी, हाँ इन जड़ी बी केतर शन जो लोकल न पी सन ग्लोबल न पी सन ठीक है। बी को मिसाल बहुत केतर थी सकन थी मिसाल अस हाँ तो मान असा जी रिलू ठहन थी पे आन तो नायाब पर वे ग्लोबल ना है। वे एक मखसूस खेते तीन महदूद इनजो सवाल जो जवाब तुम पा मुझे बुधा। अच्छा अच्छा इन उत्तर में ही बुधाया तो जड़े असम ट्रक आर्ट आजदर आ ट्रक आर्ट दुनिया में थी लंदन में पेरिस में उड़े ये भी एक शे पसंद बई सवाल के गडायो यो सजो सरमाएदारी जे करे आए। सरमाएदारी ग्लोबलाइजेशन वालों तस्वुर जो है असान जे लोकल जे के बेशबा जबरदस्त जे असा कल्चर्स हैं उनके मथे उभरण ही को दे। अच्छा। यो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल ना है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन जो तक नेट से मिले थी वह रिजेक्ट है, उनके कड़ी उछल छो या गूगल वन ठाई है या यो इन सर्च इंजन मजा तक मिले थी पी, पर यही डेफिनेशन जैसे तुम रूस या बेन उन सर्च इंजन में वही गोल्द तो डेफिनेशन ही डिफरेंट मिली। तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में असंख्य साफ चिट्टी भेंट करण खपे तो सरमाएदारी ग्लोबलाइजेशन या एक्चुअल ग्लोबलाइजेशन या नेचुरल ग्लोबलाइजेशन। मिसाल सिज एक ग्लोबल एंटिटी है पर असाजे गोठ में भी रोशनी अचे थी उनकी रोशनी मजा अस भी सोलर प्लांट लगे सकूँ था उनको लोकलाइज यूज मौजूद है। तेज कर ग्लोबलाइजेशन के लोकलाइजेशन का धार बिल्कुल न ग्लोबलाइजेशन भी समझी वरतो फर्ज लोकलाइजेशन भी ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जी तुम मिसाल में हाँ अजरक की मिसाल से अचूँ था हाँ अजरक असकी कमोडिटी जी है प्रोडक्ट है या असो जो कल्चरल आइडेंटिटी है वह अजरक छो नी आलमी सतह से एडॉप्ट कई वे या उनको शनाख्त थिए उन सबब यो है जो असा वट उन गाल के अगते आने के लिए को मू तैयारी को ग्लोबल वो छो नो करे उनमें कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को दिलचस्पी है कड़ो मुनाफो थो आऊँ अजो एक कारखानो खोलिया कपड़ो अजरक ठाण शुरू करा हाँ वह खपंदी किथे हाँ ये भी तो मसला है हाँ ये मसला कें पैदा क्या ये मसला सरमाएदारी पैदा क्या यानी सरमाएदारी वट ग्लोबल ग्लोबल थियण जो मखसूस रस्तो है यानी वो वंज वाट कंध म फेरे जी डा मत लोणे फेर लपाट लगे न लती चे हाँ यो ही रस्तो है यो वी वन जैसे इतना उतना थन्दे रशिया हो उनके दसे किराए वेद हालांकि वो मिसाल इंडिया के अंदर लोकलाइज गाड़ी हुई जी जी सही तुम लेक्चर में सरमाएदारी जो है वह आई टी में वही तबाही मचाई है पर सागे वक्त असूँ था तो उन आई टी में असंख्य सहूलतूँ भी दिन मिसाल तौर से मुझी एक फेसबुक की आई डी है या मुझी एक ईमेल की आई डी है उनमें को बॉर्डर ना है। मिसाल सारी दुनिया में जो जीमेल इस्तेमाल कौन है उन कें किस्म जो बॉर्डर ना है तो सागे ही वक्त इतने वेठो आया पर पूरी दुनिया से कनेक्टेड आया सरमाएदारी जै जैसे असान नुकसान दिना ओतरा ही वरी असान सहूलतूँ ही फायदा भी दिना उन फायदा का इनकार नो कर वजात क्या प्रेम साहब कदम भी सरमाएदारी आई टी में एक तबाही साई सरमाएदारी जो है वो टेक्नोलॉजी में वो बर्बाद तबाही मुख्य बुधायो कड़े सरमाएदार आई टी टेक्नोलॉजी ठाई है नालो बुधायो सरमाएदारी टेक असांजी इहा ही ग़लति फहमी आहे त असां प्रोक्लेम असां फर्ज़ करे वरितो आहे त सरमाएदारी इहो असां फर्ज़ कोन कयो इहो सरमाएदारी जो ई कंसेप्ट आहे त बाबा टेक्नोलॉजी इंजीनियरनि माहिरनि ठाही
जेके गरीब हुया या अलाए कहिड़ी हालत में या को 5-10 हज़ार पघार खणंदो हूंदो या छा हूंदो, सरमाएदारी अची हुन ते कब्ज़ो कयो ऐं हुनखे तव्हां ख़बर आहे फेसबुक मञा, ठीकु आहे, फेसबुक हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे, सोशल मीडिया आहे, पर फेसबुक कंपनी ते बिलियंस ऑफ द डॉलर्स जूं एडवर्टाइज़मेंट पेश थियनि थियूं, जेको हुनजो अर्निंग सोर्स आहे, जेके जेके एडवर्टाइज़मेंट्स कंहिं न कम जूं आहिनि, जंहिंजी ज़रूरत ई कोन्हे असांखे ख़ासि सुठियूं एडवर्टाइज़मेंट, असांखे का ख़बर कोन्हे त हीअ एड जेका आहे जंहिं शइ जी थिए पई या शइ एक्चुअल कम जी बि आहे या तबाही आणींदड़ आहे, उन्हनि खे पैसा खपनि। तंहिंजे करे सरमाएदारी टेक्नोलॉजी जो मिसयूज़ करे थी, पर टेक्नोलॉजी सरमाएदारी ठाही कोन्हे। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी नालो ॿुधायो जेको प्रोक्लेम करे सरमाएदारी ठाही आहे। बिल गेट थी वियो या उहो फेसबुक जो मालिक थी वियो, उहो बि को साहूकार तो ग़रीब माण्हू हुया, उन्हनि हिकिड़ी शइ हिकु साहूकार थिया त मतिलबु आई डाउट हू बिल गेट्स खे पढ़ियो न आहे, पर इन ते बि थियणु खपे त जेको बिलियनर थिए थो उहो घणनि माण्हुनि जो रतु चूसे थो या घणनि माण्हुनि जी दौलत ते हड़प करे थो या केतिरनि माण्हुनि जे वैल्यू या पोरे जो इस्तेसाल हुनखे बिलियनर बनाइण में शामिलु आहे। रिसर्च थियणु खपे, तहक़ीक़ थियणु, कीअं थियो हिकिड़ो माण्हू बिलियनर। न जहिड़ो हेठो माण्हू जेकॾहिं बिलियनर थी वञे जॾहिं त हू त सरमाएदार थी वेंदो, क्लास कैरेक्टर चेंज थी वेंदो आहे। पर ॻाल्हि ॾिसो डॉक्टर साहिबु, हीअ त ॻाल्हि तव्हांजी बराबरि सही आहे, पर हुनखे बिलियनर थियण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे, मूंखे ॿुधायो न। हुनखे बिलियनर थिए, असांखे बिलियनर खपनि ई कोन। न बिल गेट जे मुतालिक़ ई चयो वेंदो त पंहिंजी दौलत अच्छा सरमाएदारी निज़ाम न हुजे या पोइ बिल गेट थी ॾेखारे आहे दौलत मां, सवाल ई नथो पैदा थिए। त इहो बि सरमाएदारी जो करिश्मो आहे, पर असांखे बिल गेट सां ऐं हुनजी ख़िदमतनि सां ऐं उन ते कमेंट नथो करियां, मे बी हुन ज़बरदस्त ख़िदमतूं कयूं हुजनि क़ाबिले पोलियो, पर आउं इहो चवां थो त उहो जेको माण्हू जेको अॼु सोमालिया में या असांजे मुल्क में बुखियो पियो थो सुम्हे जंहिं वटि 8 कलाक 10 कलाक 20 कलाक बि पूरे करण खां पोइ हुन वीचारे खे खाइण जे लाइ मानी नथी मिले, आख़िर हुन कहिड़ो ॾोह कयो। इहो लोकलाइज़्ड इफेक्ट आहे, लोकलाइज़्ड जेको असांखे सरमाएदारी ग्लोबलाइज़्ड वारे कंसेप्ट मां मिलियो आहे। पर जेकॾहिं हिते ग्लोबलाइज़ जो लोकल तसवुर बि हुजे हा, त सरमाएदारी खे पंहिंजे ट्रेडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी जेका मईशत वारे निज़ाम सां हथु खणणो पवे आ। इहे शयूं ॿई गॾु हलियूं थी, हली नथियूं सघनि। मुंहिंजी तव्हांजे सवाल में आख़िरी ॻाल्हि, आख़िरी सरमाएदारी ऐं ग्लोबलाइज़्ड लोकलाइज़ेशन यानी ग्लोकलाइज़ेशन हिकु ॿिए जे उबतड़ आहिनि, गॾु नथा हली सघनि। फारूक राव अवां छा पुछो? जी तव्हां बहितरीन सम्झाइणी असांखे। मां हिकु नंढी पंहिंजी ॻाल्हि रखंदुमि, उन खां पोइ तव्हां खां सुवालु पुछंदुमि। ॻाल्हि इहा आहे त असां जंहिं दुनिया में रहूं पिया उहा मोनोपोली में रहे पई, कैपिटलिज़म जी मोनोपोली में, सरमाएदारी असां वटि हींअर हावी आहे। ऐं उन खां अलावा ॿी का बि धुर न आहे जेका हुनजी मुखालफ़त कंदी हुजे, सभु हुनजा हामी आहिनि। ऐं असां वटि ग्लोबलाइज़ेशन बि आहे हींअर, ऐं ओपन मार्केट आहे, तव्हां किथे कहिड़े मुल्क में वञी करे तव्हां हुते कारोबार करे सघो था, हुते फैक्ट्री लॻाए सघो था, ऐं उतां जो जेको आहे रिसोर्सिस यूज़ करे सघो था। त पोइ हाणे जेकॾहिं ग्लोबलाइज़ेशन में ॿाहिरां माण्हू अचे असां वटि फैक्ट्रियूं लॻाइनि ऐं हिते अची करे असांजे रिसोर्सिस खे यूज़ कनि ऐं मक़ामी माण्हुनि खे नुक़सानु ॾियनि, त हुन सां ज़ाहिर आहे नुक़सानु थींदो, असांजी मुआशत तबाह थींदी, प्राइवेटाइज़ेशन थींदी। जी जी, उहो ई सुवालु आहे मुंहिंजो त असां इन शइ खे कीअं माना मुखालफ़त कीअं करे सघूं था, इन शइ जी उन खां कीअं जान छॾाए सघूं था, असां कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी माना मुआशत खे ताक़तवर कयूं, असां पंहिंजे मुल्क जे अंदरि रही करे कीअं पंहिंजो तरक़ियाफ़्त थी सघूं था, मुंहिंजो इहो सुवालु आहे। असां इन ॻाल्हि जो ग्लोबलाइज़ेशन या ग्लोकलाइज़ेशन कॾहिं बि इन ॻाल्हि जी मुखालफ़त नथी करे त ॿाहिरियां माण्हू हुते न अचनि। ॿाहिरियनि माण्हुनि जो राइट आहे त उहे कंहिं बि मुल्क में वञनि जेकॾहिं मुल्क जो कानून इजाज़त ॾिए थो त कानून मुताबिक़। छाकाणि त असांखे ॿाहिरियुनि माण्हुनि जे होशियारपन ऐं ॾाहापनि मां फ़ाइदे हासिलु करण जी ज़रूरत आहे। पर सुवालु इहो थो पैदा थिए त हिकिड़ी ॿाहिरी कंपनी जेकॾहिं मुंहिंजे मुल्क में अचे थी या मुंहिंजे ॻोठ में अचे थी त हुन लोकलाइज़्ड माण्हुनि जी तरबियत या तरक़ी में किरदारु अदा कयो या न कयो, या रुगा पंहिंजा पेट भरे ऐं वापसि पंहिंजे मुल्क रवानो थी। पॉइंट इहा आहे त ग्लोबलाइज़ जो एक्चुअल कंसेप्ट सरमाएदारी जॾहिं माइनस कंदासीं ऐं मैनेजमेंट उहा जेका मुआशी जमहूरियत वारे कंसेप्ट तहत जेकॾहिं अडॉप्ट कंदासीं त उहा कंपनी पाबंद हूंदी त उहा लोकलाइज़्ड जेको आहे तरक़ी में बि पंहिंजो किरदारु अदा करे। रवि कुमार, इहो आहे त जेको आहे तव्हां ग्लोबलाइज़ेशन जी हाणे ॻाल्हि थिए पई त ग्लोबलाइज़ेशन में असां चवंदा आहियूं त मतिलबु असां सभु मतिलबु इंसान आहियूं, सभु बराबरि आहियूं, हिकु जहिड़ी सभु दुनिया आहे, सॼो कुझु सेट आहे। जॾहिं असां इहो ॻाल्हि कयूं था पोइ जेकी क़ौमूं आहिनि, क़ौमुनि जो वजूदु आहे, क़ौमुनि जो आज़ादियूं आहिनि, उन्हनि जी ॿोली आहे, उनजी सकाफ़त आहे, उनखे असां कहिड़े खाते में रखंदासीं? हाणे ॾिसो ग्लोबल जी माना ग्लोकल बि आहे, त मौज़ू पंहिंजो ग्लोकलाइज़ेशन आहे। जेका शइ ग्लोबल आहे उहा ग्लोकल बि आहे, सिंधी क़ौम आहे या लोकल बि आहे त ग्लोबल बि आहे। ग्लोबलाइज़ेशन किथे बि सिंधी क़ौम जे वजूद जो डाइल्यूशन नथी करे। पाकिस्तान आहे उहो लोकल बि आहे, ग्लोबल बि आहे। जॾहिं दुनिया जी ॻाल्हि कंदासीं त पाकिस्तान लोकल आहे, जॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं त पाकिस्तान ग्लोबल आहे। जॾहिं सिंध अंदरि बि जेकॾहिं असां फॉर एग्ज़ाम्पल सखर जी ॻाल्हि कंदासीं त सखर सिंध वरी सखर जे लाइ ग्लोबल आहे, सखर लोकल आहे। ॾिसो न,
काइनात उबतड़न जो मेलाप है, शयूं पाण में गंढियल आहिनि। अहिड़ो को बि तसवुरु कोन्हे जेको ग्लोबल आहे, बसि उहो ई ग्लोबल आहे, बाक़ी सभु लोकल आहिनि, अहिड़ो को बि तसवुरु कोन्हे। हाणे अचूं तरक़ी ते, ठीकु आहे न। सिंध जा ॻोठ जेकॾहिं तरक़ी कनि ऐं माण्हू हुते अचनि, राइट, इट इज़ अ लोकल एक्टिविटी। पर लोकल एक्टिविटी तॾहिं थी सघे थी जॾहिं असां ग्लोबल तजुर्बनि वञा फ़ाइदो हासिलु कयूं, अदरवाइज़ मुमकिन ई कोन्हे। जी असद बिलाल, ग्लोबलाइजेशन में शयूं आसानी सां सफ़र कनि थियूं, माण्हू छो न? माण्हू छो न? जी माण्हू जहाज़ में चढ़ी सफ़र कंदो त पर ॻाल्हि कोन सम्झेसि। मुंहिंजो सुवाल इहो आहे, ग्लोबलाइजेशन में वीज़ा रिस्ट्रिक्शन्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ माण्हू पर माण्हू आसानी सां सफ़र नथो करे सघे। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जे करे चओ था, जेका शइ आहे मां हितां काॾे मोकिलियां त आसानी सां मोकिले सघंदो, पर मां पाण बॉर्डर जे कानून जो चव थो या महांगाई जे हिसाब सां न ग्लोबलाइजेशन ॾिसो न, हर मुल्क जा पंहिंजा कानून आहिनि, ठीकु आहे न। इहा त सुठी ॻाल्हि आहे, मिसाल पाकिस्तान में जेकॾहिं समूरा एक्स वाय ज़ेड माण्हू अची वेही रहनि सिंध में, त पोइ सिंध खे त नुक़सानु थींदो न, छाकाणि त वसीला लिमिटेड आहिनि, सिंध जा माण्हू लिमिटेड आहिनि। तंहिंजे करे लोकल कंसेप्ट जेको आहे, लोकलाइज़्ड जेको वसीलनि जी विर्छ, लोकलाइज़्ड वसीलनि जी मौजूदगी में उन्हनि जी तरक़ी, पर उन जी माना इहा न आहे त जेकॾहिं सिंध में गैस आहे त सिर्फ़ु सिंध जे लाइ इस्तेमालु थिए। ग्लोबलाइज़ेशन इहो नथी चवे, उन ते सॼी दुनिया जे माण्हुनि जो हक़ु आहे, पर सॼी दुनिया जे माण्हुनि जो ओतिरो हक़ु आहे जंहिंसां सिंध जे मुफ़ादनि खे नुक़सानु न रसे। मिसाल, हिकिड़ी टेक्नोलॉजी मूं सिंध में तव्हां ईजाद कई, हाणे उन ते सॼी दुनिया जो हक़ु आहे, पर उन ते असांजे लोकल माण्हुनि जो बि हक़ु आहे। ॿई शयूं गॾु हलनि थियूं न, ईअं ई थियो आहे सॼी दुनिया में। वीज़ा वारो मामिलो, उन में त ॾिसो सभिनी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में उन्हनि जा पंहिंजा मसइला आहिनि, हू कहिड़े माण्हू खे अचणु ॾियणु चाहिनि था, अचणु नथा ॾियणु चाहिनि, त उन्हनि जो एतिराम बि थियणु खपे, उन्हनि खे फॉलो करणु खपे, पोइ वीज़ाऊं त फस्ट क्लास फटाफट मिलनि थियूं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जी क्राइटेरिया खे पूरो कयो। इहो ई त कंसेप्ट आहे जेको ग्लोबलाइज़ेशन खे फॉलो करे थो। तव्हांजो ऐं वरी बि सुवाल खे पंहिंजे ई उन मौज़ू ॾांहुं खणी ईंदुसि त वीज़ा वॾे में वॾो मिसाल आहे ग्लोबलाइज़ेशन जो। तंहिंजे करे ग्लोबलाइज़ेशन सां गॾु ग्लोबलाइज़ेशन बि आहे, जेकॾहिं ग्लोबल हुजे हा पोइ तव्हां फटाफट हर माण्हू किथे न किथे जंहिं मुल्क में चाहे त वञी सघे हा। तंहिंजे करे ग्लोबलाइज़ेशन जा बि रूल मौजूदु आहिनि, लोकलाइज़ बि आहिनि ऐं ग्लोबल बि आहिनि। नाज़रीन, सवाल जवाब जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर हिकु वक़्फ़े खां पोइ हिकु वक़्फ़ो। नाज़रीन, वेलकम बैक। असां ग्लोबलाइज़ेशन बाबति सवाल जवाब जो सिलसिलो खे ब्रेक जे करे रोकियो हो, वरी शुरू कयूं था। असद मुमताज़ साहब, असां ॾिसूं था त कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके सिर्फ़ु ग्लोबल आहिनि। मिसाल जे तौर ते को इल्मु आहे उहो लोकल थी नथो सघे, मुंहिंजी जेसि ताईं मां सम्झां थो त मिसाल साइंस जो इल्मु आहे, साइंस जी जेके डेफिनेशन्स आहिनि उहो जेके मां थो पढ़ां उहो ई अफ्रीकन ॿार थो पढ़े, उहो ई यूरोपियन ॿार थो पढ़े, उहो दुनिया जे किथे बि माण्हू वेठो हुजे उहो त साॻी पूरी दुनिया लाइ यूनिवर्सल आहे। त इल्मु जेको आहे उनखे असां कहिड़े खाते में रखंदासीं? हाणे ॾिसो, इल्मु जेकॾहिं ग्लोबल आहे, तव्हांजी ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां, त इन जो लोकल पासो कहिड़ो आहे? छाकाणि त साइंस छा थी चवे? साइंस चवे थी त प्लस एज़ अ माइनस शयूं उबतड़न जो मेलाप आहिनि। जेकॾहिं शइ ग्लोबल आहे त हुनजो लोकल पासो लाज़मी मौजूदु आहे। उहो लोकल पासो तव्हां कंसीडर कयो ऐं उन लोकल पासे खे उजागर कयो ऐं उन लोकल पासे जो तव्हां इजरा कयो, हुनखे हुनखे इम्प्लीमेंट कयो। कीअं? इल्मु बिल्कुलु लोकल न पर ग्लोबल एंटिटी आहे या ग्लोबल हिकिड़ी शइ आहे। हुनजो लोकल पासो इहो आहे त आउं हुन में तहक़ीक करे ऐं हुन मुंहिंजा हुन इल्मु खे जे हुन पोर्शन खे वधीक रिसर्च करे हुन में नई ॻाल्हि एड करियां। इहो लोकल पासो आहे, इहो ग्लोबल न आहे। इहो ग्लोबल तॾहिं थींदो जॾहिं उहो मञी वेंदो ऐं वरी उहो उन इल्म जो हिसो थी वेंदो। इट वर्क्स बोथ वे। फारूक रहो। लोकलाइज़ेशन ॼण को सिर्फ़ु कॉन्सेप्ट हुजे, थ्योरी हुजे, जेका आइडियाज़ हुजनि उहे ट्रांसफर थियनि पिया, पर तजारत न, तजारत बि थिए थी जंहिंजे करे ओपन मार्केट आहे, तजारत थिए थी, त मतिलबु मुआशियत ते बसरु पए थो उन्हनि शयुनि, मतिलबु ग्लोबलाइज़ेशन जे करे मुआशियत ते बसरु पए थो। त पोइ छा तबक़ाती निज़ाम उहो साॻियो ई रहंदो, जेको तबक़ाती निज़ाम जेको फुलट करे पियो समाज जी, त पोइ उन ते कहिड़ा असरु पवंदा? छा उहो घटिजी वेंदो तबक़ाती निज़ाम ऐं असां तरक़ी याफ़्ता थी सघूं था उन हिसाब सां? हाणे ॾिसो, असां ग्लोबल विलेज में रहूं था, ठीकु आहे। सॼी दुनिया हिकिड़ो ग्लोब आहे, ठीकु, पर उनजी माना इहा न आहे त लोकल एंटिटीज़ फिनिश थी वियूं। लोकल एंटिटीज़ या लोकल क़ौमियतूं या लोकल नेशन्स या लोकल जेके एग्ज़िस्टेंस आहिनि, जेके हज़ारनि सालनि जे इरतकाई पस मंज़र में ग्रो थियूं आहिनि, तहज़ीबूं तहज़ीबुनि मंझां क़ौमुनि जनम वरितो, अॼु क़ौमूं
रियासती स्टेटस में भी आहिनि त इंडिपेंडेंट स्टेटस में भी आहिनि। तंहिंजे करे ग्लोबल जो लोकल पासो जेको आहे उहो मौजूदु आहे। उहो मां तव्हां पंहिंजो सुवाल वरी रिपीट कजो। जेको तबकाती निज़ाम आहे, मतिलबु तबका आहिनि, हिकिड़ो सरमाएदार आहे, हिकिड़ो मतिलबु मज़दूर आहे, त छा उहो उन्हनि में जेको फ़र्क़ु आहे उहो घटि थींदो या न थींदो, उन ते कहिड़ा असर पवंदो? हाणे ॾिसो, सरमाएदारी जॾहिं ग्लोबल स्टेटस ग्लोबलाइज़ेशन जॾहिं सरमाएदारी हुन ते जी सरमाएदारी डेफिनेशन इहा आहे त आलमी मंडी आहे ऐं आलमी मंडी में नंढियुनि क़ौमुनि खे जीअण जो को बि हक़ु कोन्हे। उहे IMF जा लोन खणंदियूं रहनि ऐं उन्हनि जा जेके आहिनि ॻरा व्याज जेके निभाए चुकाईंदियूं रहनि। हुननि जो हिसाबु किताबु बि थींदो, तस्दीक बि थींदी, चेक बि थींदी त आया उन्हनि कंडीशन्स पूरियूं कयूं न कयूं, उन्हनि घुरबल जेके आहिनि इंट्रेस्ट रेट वधायो या घटायो या न घटायो वग़ैरह वग़ैरह, हुननि जे ॾंडे ते असांखे हलणो आहे। इहो आहे सरमाएदारी ग्लोबल कंसेप्ट मईशत जो, जेको असांजे मथां, समाजनि जे मथां, तहज़ीबुनि जे मथां, क़ौमुनि जे मथां हू इम्पोज करणु चाहे थी सरमाएदारी। पर लोकलाइज़ेशन यानी एक्चुअल ग्लोबल जो कंसेप्ट इहो न आहे। एक्चुअल कंसेप्ट इहो आहे त क़ौमुनि जी हक़ ख़ुदारी ख़ुदा इरादियत हर क़ौम खे जेका हज़ारनि सालनि जो पस मंज़र रखे थी जीअण जो हक़ आहे। रवि कुमार, सवाल आहे त जीअं तव्हां पहिरीं ॻाल्हि कई त जेको लोकल जेको आहे उहो ई अॻिते हली ग्लोबलाइज़ेशन ऐं ग्लोबलाइज़ेशन उन सां जुड़ियल आहे। त मिसाल तौरु जीअं असांजो हिकिड़ो माना सिंध जो को नौजवान आहे उहो हिकिड़े ॻोठ मां अचे थो कराची या इस्लामाबाद में जॉब करे थो या स्टडी करे थो, पोइ हू जॾहिं वापसि वञे थो पंहिंजे ॻोठ में वञे थो त उते हुनखे हर शइ लोकल नज़र अचे थी ऐं उहो हुन शइ जी मतिलबु सार नथो लहे। उहो चए थो त मां हाणे मूंखे हिन माहौल में मज़ो नथो अचे। त हिकिड़ी त इहा जेका डेफिनेशन तव्हां जीअं चयो त हिकिड़ी ग़लति डेफिनेशन कई वई आहे, त इहो डेफिनेशन कीअं ख़तमु कजे ऐं माण्हुनि खे कीअं ॿुधाइजे? छो जो आम इहो ई आहे त भाउ ग्लोबलाइज़ेशन उहो आहे त लोकल शयूं न आहिनि, मथे सत जो माण्हू आहे या ॿार आहे उहो हिकिड़ो ग्लोबल माण्हू आहे, ॿिया सभई आहिनि, त इहो डेफिनेशन जी कीअं मतिलबु सही कजे? हाणे ॾिसो, तव्हां फ़र्ज़ु कयो सिंध में समूरा ज़िला, समूरा ॻोठ, हाणे उते ग्लोबलाइज़ेशन एडॉप्ट थिए थी पई, उहो दौरु अची वियो आहे, सरमाएदारी मां असांजी जिंद छुटी पई, हाणे उहो दौरु अची वियो। सिंध में जेतिरा बि ज़िला आहिनि उन्हनि जा जेतिरा बि ॻोठ आहिनि, माण्हुनि उते सभु यूनिवर्सिटियूं खुली वियूं, हर इदारे खे, हर ज़िले खे हिकिड़ी यूनिवर्सिटी, हर ज़िले खे पंहिंजो चैनल आहे, हर ज़िले मंझि घुरबल जेके इंडस्ट्री जेका आहे, जेका ज़रूरी आहे, उहा उते लॻी वई, माण्हुनि जे रोज़गार जो समूरो बंदोबस्तु थी वियो। हाणे उन्हनि ज़िले इन्हनि इलाइक़नि में को बि माण्हू रोज़गार न आहे। हाणे इहा लोकलाइज़्ड तरक़ी थी वई, ठीकु। हाणे इहा लोकलाइज़्ड तरक़ी जेका आहे ग्लोबल पैगाम आहे, ग्लोबल कंसेप्ट आहे। दुनिया जा समूरा माण्हू हिन तरीक़े जे या हिन मॉडल खे एडॉप्ट करण जे लाइ तयारु थींदा, छाकाणि त हीअ त ज़बरदस्त शइ आहे। यानी लोकल कंसेप्ट फ्री ग्लोबल थी वियो। ग्लोबल जी माना छा आहे? उहो कंसेप्ट जंहिंखे सॼी दुनिया एक्सेप्ट करे, उनखे असां चई सघूं था त हीउ ग्लोबल कंसेप्ट आहे। ऐं लोकल जी माना छा आहे? त उहो वर्ल्ड वाइड या उहो ग्लोबली एक्सेप्टेड जेको कंसेप्ट आहे उनजी वरी मोट आहे लोकलाइज़्ड सतह ते हुन जो इस्तेमालु थिए। इहो आहे ग्लोबलाइज़ेशन ऐं लोकलाइज़ेशन जो पाण में गॾियल। त ग्लोबलाइज़ेशन जी सरमाएदारी ग्लोबलाइज़ेशन चवे थी त शहर ऐं रियासत ॿहिराड़ियुनि जो फ़र्क़ु हुजे, उहो ॾींहों वधंदो वञे, शहर ऐं ॿहिराड़ियूं जेके आहिनि उहो। पर लोकलाइज़ेशन जो कंसेप्ट जेकॾहिं अची वञे त समूरा ॻोठ बि शहर थी वञनि, या शहरनि में बि जेको इन्वायरमेंटल इशूज़ आहिनि, कुझु ॻोठाणो रंग बि उन्हनि खे चढ़ण जी ज़रूरत आहे ताकी उहे इन्वायरमेंटल इशू खां परे रहनि। असद विलास, त का बि जेका जो ग्लोबलाइज़ेशन जेका आहे उनखे जे कंहिं ख़राबु कयो आहे त उहा सरमाएदारी ख़राबु कयो आहे। त मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त का बि शइ लोकलाइज़ेशन में आहे जेकॾहिं उन ते सरमायो ख़र्चु नथो थिए त उहा ग्लोबलाइज़ेशन कीअं थी सघे? ॾिसो, शइ ते ठाहिण जे लाइ सरमायो त बिल्कुलु खपे। ग्लोबलाइज़ेशन जो जेको कंसेप्ट आहे उहो सरमाए खे रद्द नथो करे पर सरमाए जे इस्तेमालु खे रद्द करे थो, जेको लोकलाइज़ थियणु खपे, ठीकु आहे। असां सरमाए खां सवाइ का बि शइ ठाहिणु नथा चाहियूं, ठीकु आहे। पर सरमाए जो जेको स्टेटस आहे, सरमायो माना पैसो, ठीकु, सरमाए खां अॻु में उहो मुनाफ़ो हो ऐं मुनाफ़े खां अॻु में उहो पैसो हो, ठीकु आहे न। पैसे जी शकल हुई या शइ हुई, हिकिड़ी शइ तव्हां ठाही, हाणे हिन शइ मञा तव्हां प्रॉफिट कमायो, उन प्रॉफिट खे वरी तव्हां वधीक शयूं ठाहिण में लॻायो त उहो सरमायो थी वियो, ठीकु आहे। हाणे हीअ शइ जेका आहे बुनियादी तरह हिनखे उन कार्ल मार्क्स लिखियो आहे त नक़द शइ यानी कैश प्रोडक्ट, कैश कमोडिटी, हुनजे लाइ हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे। हाणे हीउ कैश क्रॉप प्रोडक्ट खे कन्वर्ट थियणो, सरमाएदार छा थो करे, हिनखे कन्वर्ट करे थो सरमाए में,
ताकि इन शइ मजा 50,000 बी भी शन एकड़ी शै पर एकड़ी शै में बी पर या शै तो बिल्कुल खपे पर लोकलाइज कंसेप्ट मुताबिक जैसे सरमायो मौजूद है तो उन सरमाए जो लोकल तरक्की में इस्तेमाल थियण खपे न कि रुगो वो ठलो ग्लोबल हो या ग्लोबल कंपनियन या मल्टीनेशनल कंपनियन के लिए फायदेमंद थी। अच्छा इनसे जी कुछ एडियन जो सिर्फ ग्लोबल लोकलाइज मिसाल तौर से मोबाइल फोन है या तो हाँ ग्लोबल ऐजाद है मिसाल तौर इतने खोड़ सारू शन जो मोटे का माइक है या लोकलाइजेशन किए इनकी लोकल किएगी ये तो मिसाल तौर से कपड़ा पाए वेठो आया अस कपड़ा ये सब ग्लोबल ये लोकलाइजेशन किए ग्लोबल समझा मोबाइल फोन जहाँ ये है कंट्री जो है ये मोटोरोला है ये अमेरिकन कंपनी है तो लोकल थी ना अमेरिका पर सागी वक्त ते ही ग्लोबल भी तो है ना ग्लोबल इनके सरमाएदारी कंसेप्ट है तो उन फॉर एग्जाम्पल हाँ ही टेक्नोलॉजी है हाँ सॉरी सवाल क्या मिसाल मोटोरोला जो हाँ अड़ी खोड़ सारू मोबाइल कंपनियों जो ठहन ही इतने थी मुख्तलिफ हाँ इतने असा कन्फ्यूजन शिकार आयो ऐसो सैमसंग कंपनी है लोकल है ग्लोबल है सागे वक्त ते वो ग्लोबल है सागे वक्त ग्लोबल है हाँ ग्लोबल है मन वह दुनिया के घणन मुल्क में मौजूद है एग्जिस्ट करे थी उनका कारखाना लगल है हाँ तस्वुर कर जहाँ ग्लोबल न हो ठीक मुल्क जहाँ कानून उन इजाजत न दियन हा ठीक मिसाल हिंदुस्तान के अंदर सैमसंग वही ये डायरेक्ट वो कंपनी नी खोले उनके लोकल पार्टनर जरूर खपे ठीक तो ये कंपनी सब लोकल होजन पर इन रोल ग्लोबल रहे ही रहे तो मोबाइल तो हर घर के खपे ठीक हर पर असा वे सिंध में पैं प्रोडक्ट शुरू थी वन जो इन बेहतर क्वालिटी के होजन तो मू वा को वा तो सरमाएदारी छाती करे तो ही जेका टेक्नोलॉजी कदें भी सैमसंग पान कोन ठाई या टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन ही बेन इंजीनियरिंग जेके सोर्सेस जे नतीजे में इंसान के मिली जैमें हिंदुस्तान पाकिस्तान केतरा ही मानू जेके आइन एशिया अमेरिका यूरोप जा उहे गडियल इंजीनियर्स हुआ जिन इन या टेक्नोलॉजी ठाई अञा भी ठहन थी पई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट अचे थी पई सरमाएदारी इन टेक्नोलॉजी के कब्जो कयो पो उनके नालो दिनो सैमसंग हाँ या मुझी प्रोडक्ट आए पर भाई ये टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्ट आए ही कोन पर जैसे यह ग्लोबल थी वही ठीक है ग्लोबल इन ग्लोकल वही रिलेटिव टर्म है एब्सोल्यूट टर्म ना एकड़ी शे ग्लोबल है तो वह सदाई ग्लोबल है लोकलाइज ना ये ना तेज कर मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है ग्लोबल है पर सिंध जो भी पाकिस्तान जो भी राइट है तो वह पैं लोकल सागे किस्म की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर शूँ ठाई छो न थी चाहे ठीक है इन जो तजाद भी समझन खपे ग्लोकल जड़ी है तो उन्हें जड़ी ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन के तजाज के नतीजे में एक ग्लोकलाइजेशन जो वजूद अमल में आयो आ जे ग्लोबलाइजेशन के एक हिस्से के ओन कंदे ग्लोबलाइजेशन के बे हिस्से के डिसऑन किया सागे नमूने से लोकलाइजेशन की तंग नजरी के डिसऑन कर उनकी पॉजिटिव सेन के ओन करण जो ही इन जो नालो है ग्लोकलाइजेशन ए मतलब इन सिलसिले में मां ये समझा तो असके समझने की कोशिश करें मां कुछ मिसालों देन पे चाहे इतने जी स्पाइसी फूड आ मिर्चन वारो खाधो मिर्चन वारो खाधो इतने सब कॉन्टिनेंट जो एकड़ो हुयो सजो सिलसिलो यूरोप वाला मिर्चू न खाईंदा हुआ पर एक वंजन हर अचवंज में मूँ मतलब तो यूके में इलाही रेस्टोरेंट दिखा जो पाकिस्तानी भी रेस्टोरेंट्स आज तो वह भी इंडियन रेस्टोरेंट जड़ाया वा इंडिया जो भी आन उन्होंने में स्पाइसी फूड अचे तो जैसे स्पाइसी रेस्टोरेंट में वजू था तो अक्सर गोरा वेठा आन गोरन के भी हाँ आदत थी वही है मिर्चों वालों खाधे जो एक खाने जो एक तेजी से एक मकबूल थी रो एक जायके वाली शे हुई जड़ी भी कई भी शे के एक जायके वधाण जो ये स्पाइसी फूड जड़ो है तो ये जैसे ग्लोबलाइजेशन है पर फूड के मुकाबले में ग्लोबलाइजेशन है उनकी मिसाल मां अमा के चिकन कॉर्न सूप जो दिया तो जड़ी चाइनीज ओरिजन है सारी दुनिया में फैलजी वही है अस चिकन कॉर्न सूप जड़े नमूने से ठाया वो तो चीनी तो तौबा तौबा कंदा मुख्य चीन में अड़े किस्म जो चिकन कॉर्न सूप न मिलो जड़ो इत वो तो मां ही चवान तो असाजी चिकन कॉर्न सूप इतने ग्लोकल एक स्पेसी न लोकल है न ग्लोबल आ ये एक ग्लोकल रेसिपी है तो जड़ी मतलब उन्होंने एक वही है एक बो जो भी मिसाल जो मुख्य
एक जेडी समझ में दी पिज़्ज़ा जी गाल आ पिज़्ज़ा आ रहा असा वट पिज़्ज़ा जी एडी वैरायटीज एडा जायका अचन पे आ जेडी मिसाल चिकन टिक्का फ्लेवर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ठाइन वारन जी करे वो इटालियन प्लाज वो सोचो ना इटालियन जी हुई जेडी या ता है पो असा जेडा इन में मुख्तलिफ फ्लेवर आइन त ही एक ग्लोबल असा उन जी एक पिज़्ज़ा जी बी गाल इकड़ी आ त पिकअप आ सुजुकी सुजुकी पिकअप जड़े कम के लिए विधी हुई तो वह हाँ जापानी जड़ा है ना वो अची इतने रोन शुरू कर जो अस सुजुकी पिकअप से जड़ो जड़ो कम वरतो है तो अस एक उन्होंने एक ग्लोकल एक करती है। अच्छा बी शे जड़ी है तो वो मैं एक गाल बुदा तो नॉलेज है साइंटिफिक एडवांसमेंट आन वो दुनिया की वड़ी जबान में जो थी रही या किताबों जो लिखी वादा वो एज इट इज उन लैंग्वेज में जी असो इंग्लिश मीडियम एक रीजन है तो अंग्रेजी की किताबों अड़े अची वजन उन्होंने को फायदो ही ना है। पर जी प्रेम साहब चे तो ग्लोबलाइजेशन पैं भी मौजूद हुई लोकलाइजेशन पैं भी मौजूद हुई इन नमूने से ग्लोकलाइजेशन भी पैं का मौजूद हुई उनको एक मिसाल ही तो मां इंडिया जडे वयोस त हैदराबाद दक्कन जडे वयोस मां उते हैदराबाद शहर में उते जडे निजाम हैदराबाद जो म्यूजियम डिठो तो मुखे हैरानगी थी त 1940s में 1939 जो टी में जी किताबों उते पढ़ो मेडिकल इंजीनियरिंग जी किताबों जो उर्दू में आन ए मु जडे मालूमात करण जी कोशिश कई त ये उर्दू में मतलब की ठई उनी सजी सिलसिलो त खबर पई त उथन जो एक ट्रांसलेशन जो वडो डिपार्टमेंट होयो ट्रांसलेशन हाउस जेडी भी किताब हुंदी मुख्तलिफ माण्हू इन पर्पज लाइ भर्ती कया वेंदा तो वञे दुनिया जान में वञन जेकॾहिं उनखे अंग्रेजी ज़बान अचे थी त वञन उथन किताबूं खणी अचनि एथे जहिड़ो आहे त तर्जुमो कनि ऐं लोकल ज़बाननि में हिकिड़ी थी वञनि। असांजे भर में ईरान आहे ऐं अफ़गानिस्तान आहे। ईरान तव्हां वञो अफ़गानिस्तान में जो ईरान में मीडियम ऑफ एजुकेशन पर्शियन आहे अफ़गानिस्तान में पश्तो आहे ऐं पंहिंजो दरी लैंग्वेज आहे ऐं सभु किताबूं उन जी मक़ामी ज़बान उते वॾा वॾा ट्रांसलेशन ब्यूरोज़ आहिनि। हीअ ग्लोकलाइजेशन आहे त इंटरनेशनल नॉलेज खे तव्हां लोकल ज़बाननि में कन्वर्ट कयो हीअ ग्लोकलाइजेशन आहे ऐं जेकॾहिं इंटरनेशनल ज़बाननि में ई पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे शागिर्दनि खे पढ़ायो उहो आहे ग्लोबलाइजेशन ऐं पंहिंजे जेकॾहिं इथे आहे त उहो अरबी फारसी ऐं रुगो सिंधी ई ज़बान पढ़ंदा रहो ऐं उन्हनि जी शयूं रखो ऐं बाक़ी का नई मालूमात न कयो इहा आहे लोकलाइजेशन जी हिकु नेरोनेस उन्हनि जी तंग नज़री त इन्हनि ॿिन्हिनि जो मुक़ाबिलो ग्लोकलाइजेशन सां थियणो आहे। बदकिस्मती सां असां वटि जहिड़ी आहिनि त सिंधी मीडियम जा तालीमी इदारा मौजूदु आहिनि पर सिंधी में इल्मी किताबुनि जी घटिताई आहे ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं उन जी खोड़ खे रोकण जे लाइ हिकिड़ी एक ग्लोकल स्पिरिट पैदा करणी पवंदी उन ग्लोकल स्पिरिट खां सवाइ असीं या त आलमी ग़ुलाम थी वेंदासीं ग्लोबलाइजेशन जो ग़ुलाम थी वेंदासीं न त असीं मतिलबु त हिकु मक़ामी तंग नज़री जो शिकार थी पसमांदा ऐं पोइ ते रहिजी वेंदासीं। ग्लोकल एक अहिड़ी हिकिड़ो कंसेप्ट आहे जहिड़ो मक़ामियत खे अॻिते डेवलप कंदो आहे आलमी मयार जे मुताबिक़ मक़ामी जहिड़ी आहे डेवलपमेंट खे उहो आलमी मुताबिक़ खणी ईंदो आहे। पर ॻाल्हि इहा त उन में हिकिड़ी मक़ामियत रहंदी आहे जीअं मीडियम ऑफ एजुकेशन आहे असां वटि भरमार आहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो त मां ॾिसो दुनिया में जहिड़ी तरक़ी कंदड़ क़ौमूं आहिनि भले फ्रांस आहे भले जापान आहे चीन आहे ऐं ही जर्मनी आहे छा इथे माण्हू अंग्रेज़ी ॼाणनि था? सवाल ई पैदा नथो थिए त अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण वारो हिते तव्हांखे मिले पर छा उन्हनि साइंस ऐं टेक्नोलॉजी में तरक़ी न कई आहे? कई आहे। उते छो कई आहे त जेतिरी बि इन्वायरमेंट थींदी उते ट्रांसलेटर्स जहिड़ा आहिनि मूं मोहतां त उहे फौरन इल्म खे ही कंदा आहिनि ऐं मां ई सम्झां थो त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक़ी जिते ग्लोकलाइजेशन खे स्ट्रेंथन कयो आहे उते उन्हनि मतिलबु त ग्लोकलाइजेशन खे बि हिकिड़ो मज़बूत कयो आहे भले उन जो सबबु मक़ामीअ जी तरक़ी न हुजे पर उनजो सबबु थी सघे थो त ॻाल्हि इहा त सरमाएदारी जो कंसेप्ट हुजे जीअं असांजो मोबाइल फ़ोन जिथे आया त पहिरीं इंग्लिश में हुया
इंग्लिश में होया पो इन में पो उर्दू कंपोजिंग भी अच्छी वही पो आने सिंधी भी अच्छी वही आ ता मोबाइल फोन जो इस्तेमाल वधी वियो आ उन जो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल वधी वियो आ त ही एकड़ो ग्लोबल फिनोमिनन आए त ग्लो एक ग्लोबलाइजेशन जड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जड़ी तरक्की जड़ी इंग्लिश में या धारे लैंग्वेज में हुई उन्हें जैसे अस ट्रांसफॉर्म लोकल लैंग्वेज में किया तो उन साइंटिफिक जड़ी है तो डेवलपमेंट के अस इनहेरिट कर उनके विरसो बनाए असी पंहिंजी लोकल हालतुनि मुताबिक़ उन्हनि खे ट्रांस कयूं। हाणे मसिलो इहो आहे त जहिड़ो कंसेप्ट जहिड़ा निज़ाम हूंदा आहिनि उहो बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। असां ॾिसूं हांगकांग जो नालो ॿुधो आहे ऐं चीन खे ॾिसूं तरक़ी कयो कयो पर हांगकांग हाणे चीन जो हिसो आहे पर ॻाल्हि ई त चीन में अलॻि निज़ाम आहे हांगकांग में अलॻि निज़ाम आहे चीन जी हिकिड़ी हुकूमत हिकिड़ी कई आहे पर हांगकांग में सॼो सभु समूरा जहिड़ा आहिनि मॉरलिटीज़ ऐं जहिड़ो मोड़ा प्रोडक्शन आहे उहो सरमाएदारी जे उन जे हिसाब सां आहे ऐं चीन में हिकिड़ो ॿियो हाणे सरमाएदारी बि अचे थी त उन ॿिए एंगल सां स्टेट कैपिटलिज़म आहे स्टेट जहिड़ो आहे प्राइवेटाइज़ेशन खे प्रोमोट करे थी उहो हिकु अलॻि धार मौजूदु थींदो पर हांगकांग जा माण्हू आहिनि उहे साइंटिफिक एडवांसमेंट खां हाणे ॾिजणु पिया इन जहिड़ा उते वर्कर मिसाल बैंक में हज़ारनि जे हिसाब सां कमु कंदड़ माण्हू आहिनि उहे चवनि था तयारी बैंकनि में ऑटोमेशन अचे पई त असीं बेरोज़गार थींदासीं बाक़ी बेरोज़गार उहे थी विया आहिनि पर ही चीन में न आहे चीन में ऑटोमेशन वधे पई उन्हनि ऑटोमेशन खे साइंटिफिक एडवांसमेंट खे उहे पंहिंजी चीन जी अक्सरियत अवाम खे पसमानगी मां कढण जे लाइ गुरबत जी जहिड़ी लीक आहे उन्हनि खां हिकु मथे आणण जे लाइ जहिड़ो आहे उहो सॼो सॼी हिकिड़ी इस्तेमालु थी रही आहे सॼो त ही हिकु बुनियादी हिकिड़ी कंसेप्ट आहे त ऑटोमेशन जे करे हिकु जो ग्लोबलाइज़ेशन में जॾहिं ऑटोमेशन थी रही आहे त लोकल ग्लोबलाइज़ेशन जे आलम जो इम्पेक्ट जहिड़ो आहे त हू सरमायादार ई चाहे थो साम्राज्य मुल्क ई चाहिनि था त इन वसीले ॿियनि मुल्कनि ते कब्ज़ो कनि पर ॻाल्हि इहा त लोकलाइज़ेशन उनखे रिज़िस्ट करे थी त हीअ टेक्नोलॉजी अची वेंदी त असीं बेरोज़गार थी वेंदासीं। असां अवामी आवाज़ जॾहिं कंप्यूटर में शुरू कयो त उर्दू अख़बार बि कंप्यूटर ते न हुई त असांजे हैंड कंपोज़िटर ऐं कातिब आहे उहो असांजे ख़िलाफ़ु थी तव्हां असांखे बेरोज़गार करणु था चाहियो। असां चयो त तव्हां कंप्यूटर कंपोज़िंग सिखी वठो उहे बेरोज़गार न थींदा पर असां ॾिठो आहे त ॻाल्हियूं हिकु तबिके तौरु हिकु स्किल तौरु ख़तमु थी विया नई टेक्नोलॉजी ईंदी आहे नओं सिलसिलो जहिड़ो ईंदो आहे त हू हिकु यानी उन्हनि खे वधाईंदो आहे। मां ई सम्झां थो त थोरो असां ई ग्लोबलाइज़ेशन खे हिकिड़ो सम्झण जी कोशिशि कयूं लोकलाइज़ेशन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं ऐं ग्लोकलाइज़ेशन जो फ़ाइदो असीं वठूं ऐं ग्लोकलाइज़ेशन खे असीं पंहिंजे कल्चर मुताबिक़ उन्हनि खे हिकिड़ो वधाइण जी कोशिशि कयो। जी मिसाल तौरु अजरक जी ॻाल्हि कई आहे अजरक बि हिकु इन्हनि जी मतिलबु त हिकु इन्हनि में बि ग्लोकलाइज़ेशन हिकिड़ी थियणु खपे ऐं हिननि खे बि असीं ग्लोबली हिकिड़ो फ्लोरिश करे सघूं जीअं असांजे पाकिस्तान में ट्रक आर्ट आहे उहा हाणे दुनिया में हिकु यूनिक तौरु इन थी विया आहिनि। लोकल कल्चर आहे असां मुल्क बेसिकली हिकिड़ी कल्चर आहियूं असांजी ग्लोकलाइज़ेशन जो तक़ाज़ो इहो आहे त असीं हिकिड़ी कल्चर में जहिड़ी दुनिया में एडवांसमेंट थी आहे उन्हनि खे विरसो बणाए असीं पंहिंजी हिकिड़ी कल्चर खे वधायूं। असीं जेकॾहिं इंडस्ट्रियल थियण था चाहियूं त इंडस्ट्रियल तरीक़ो इख़्तियार करण सां असीं पाण पोइते थी वेंदासीं छो त इंडस्ट्री जे लाइ उहे हालतूं उहे ऑटोमेशन उहा टेक्नोलॉजी असां वटि मौजूदु न आहे जहिड़ी मतिलबु त असांखे हिकिड़ो इंडस्ट्रियल मुल्क में कन्वर्ट करे सघे। असीं जेकॾहिं एग्रीकल्चर मुल्क थी वञूं साइंटिफिकली एडवांस करे वठूं त असीं सॼी दुनिया खे हिकु पहुचाए सघूं जीअं इंडिया में ईस्ट पंजाब आहे ईस्ट पंजाब न रुगो अधु इंडिया खे पंहिंजो सॼो हिकु एग्रीकल्चरली पाले थो बल्कि इहे त पाकिस्तान में बि उनजी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अची सघंदो। मुंहिंजो इहो ख़्यालु हुयो सॼो सिलसिलो त हिननि में को तबसरो हुजे हिन में हिकिड़ी आऊं सिर्फ़ु डॉक्टर साहिबु तफ़सील सां ॻाल्हायो त असांखे ग्लोबलाइज़ेशन खे सरमाएदारी नज़र सां ॾिसणु बंदि करणु घुरिजे पोइ असांखे चिटो कंसेप्ट वञी सम्झो ईंदो ऐं सभु कन्फ्यूजन्स जेके आहिनि उहे दूरि थी वेंदियूं। छाकाणि त मुंहिंजे ख़्याल में साइंटिफिक उसूल मुताबिक़ ग्लोबलाइज़ेशन ऐं ग्लोकलाइज़ेशन यानी लफ़्ज़ एक्चुअल हुजण ई ग्लोकलाइज़ेशन खपे ग्लोबल छाकाणि त ग्लोकलाइज़ेशन में ग्लोबल बि शामिलु आहे ऐं सरमाएदारी सिर्फ़ु ग्लोबलाइज़ेशन में बिलीव करे थी लोकलाइज़ेशन वञी डंडे जे तरह में पवे हुनजो हुन सां को बि वास्तो कोन्हे। पोइ लोकल कल्चर लोकल एवरीथिंग लोकल वट एवर यू नो कॉन्सिक्वेंस इट मे फेस पर हुनखे सिर्फ़ु ग्लोबलाइज़ेशन खपे छाकाणि त ग्लोबल कंसेप्ट हू सम्झे थी ग्लोबल मार्केट ग्लोबल मार्केट माना ग्लोबल प्रॉफिट माना कंपनीज़ बिकमिंग रिच हुननि खे पागलपणे जो जुनून आहे त
प्रॉफिटेबिलिटी वॉट प्रॉफिटेबिलिटी कड़ी कॉस्ट से भले इंसानियत सारी तबाह थी वे अज दुनिया में 1.5 अरब मू बुख की जिंदगी गुजारन था अंडरस्टैंड तो ग्लोकल कंसेप्ट जुड़े हाँ ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन जो सरमाएदारी ग्लोबलाइजेशन वे दुरुस्त ग्लोबलाइजेशन जो तस्वर हो जाए तो अज मुझे ख्याल नाजिन अज लेक्चर के वसीले अस ग्लोबलाइजेशन के मुतल कुछ मालूम हासिल करने की कोशिश कई ये अड़ो सब्जेक्ट है जैमें असंख्य तहकीक करण की जरूरत है बहरहाल मैं प्रेम मथरानी साहब जो पैनलिस्ट जो थोरायतो आया इनमें शिरकत कई इंदड़ हफ्ते के नए मौजू इन के नए माहिर से गड़ हाजिर थी तेस तई मोकलानी।